एनालिसिस करना और एनालिसिस्ट की तरह एनालिसिस करने में बहुत बड़ा फर्क है। तो जनरली किसी इंसान को अगर पूछा जाए कि कैसे एनालिसिस किया जाए एक सेक्टर को या स्टॉक को, वो इतनी आसानी से बता देते हैं जैसे कि वो कंपनी अगर उनको मिल जाए तो ऐसे चुटकी में ही उसको संभाल लेंगे। आज हम सीखेंगे इस सेक्टर एनालिसिस के सीरीज में ऑटो एंसिलरीज को कैसे और ऑटो सेक्टर को कैसे एनालिसिस किया जाता है एक एनालिसिस्ट की तरह। नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक के इस सेक्टर एनालिसिस के सीरीज में। यहां पे दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला कि इंडियन मार्केट ऑटो एंसिलरी का और ऑटोमोबाइल का कैसा है, उसका ब्लूप्रिंट समझेंगे। सेकंड में हम देखेंगे किस तरह एनालिसिस्ट रिसर्च करते हैं। तो पहले सेक्टर को हम समझते हैं। पहला अगर सेक्टर को समझें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चार मेन स्ट्रीम में डिवाइड किया है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल। हर सेगमेंट ऑटोमोबाइल के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है। अगर ये चारों एक तरीके से आगे बढ़े तभी जाके ऑटो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा आ जाता है उछाल। अगर इनमें से दो अच्छे चल रहे हैं, दो खराब चल रहे हैं, तो एवरेज मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। ऑटो एंसिलरी ऑटोमोबाइल्स को क्यों हम फोकस कर रहे हैं, ये की इंडिकेटर होता है। अगर ऑटो सेल्स बहुत हाई जंप हो रहा है जैसे कि लास्ट महीने में हमने देखा, तो ये एक इकोनॉमी का की इंडिकेटर होता है कैसे मार्केट मूव करने वाला है आगे समय में। तो अगर इस मेनस्ट्रीम को समझे तो यहाँ पर अगर देखा जाए 81% जो है वो है टू व्हीलर इंडस्ट्री और 13% है पैसेंजर व्हीकल का। उसके बाद बाकी सारे चीज़ें आते हैं इस सेक्टर में। अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल का जो इंडस्ट्री है, अगर मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देखा जाए तो लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है दुनिया में। अगर कमर्शियल व्हीकल का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग देखें तो 7th लार्जेस्ट पोजिशन में अभी चल रहा है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में कॉस्ट कटिंग के बारे में अगर बात करें तो कॉस्ट पिछले अमेरिका, यूरोप इस देशों से हमारे यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए ज़्यादातर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोशिश करते हैं। FDI अलाउ होने के बाद 25.2 बिलियन का कारोबार किया था इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर ने। एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन में जूझ रही है ऑटोमोबाइल्स, अभी फोकस कर रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ। लेकिन जो पैसेंजर कार का सबसे जाइंट है मारुति सुजुकी, वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर ऑटोमोबाइल में सारे इलेक्ट्रिक में आ जाए तो पावर सप्लाई का प्रॉब्लम हो सकता है, तो अभी वो CNG और हाइड्रो एनर्जी के ऊपर बहुत बात करते हैं। हाउ टू रिसर्च ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में अगर देखा जाए तो डिमांड पहले आता है। तो डिमांड अगर देखा जाए तो डिमांड बहुत स्लो है। ये सुनने में आपको अजीब लग रहा हो लेकिन सच्ची में डिमांड बहुत ही स्लो है, क्योंकि अगर दूसरे देशों के हिसाब से हम देखें तो हमारे देश में 1000 लोगों में से सिर्फ 28 लोग ही खरीदते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो डिमांड स्लो है जितना सप्लाई है। उसके बाद अगर बात करें बार्गेन पावर के बारे में, तो बार्गेन पावर अभी कंपनियों के पास नहीं है, बार्गेन पावर लोगों के पास है। लोग बहुत ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर लोग बार्गेन करके स्टॉक खरीदते हैं, कार्स खरीदते हैं या फिर गाड़ी खरीदते हैं। तो मैं बता दूँ जिस सेक्टर में बार्गेन पावर लोगों के पास होता है वहाँ पर बहुत ही चैलेंजेस होता है कंपनी को सिलेक्ट कर पाना। हो सकता है एक एक कंपनी थोड़ा सा प्राइस इधर उधर करने पर या अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करने पर दूसरे कंपनी के ऊपर बहुत ही हावी हो जाए। तो बार्गेन पावर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बैरियर बनता है। और कंपटीशन के बारे में बात करें तो ह्यूज कंपटीशन है। अच्छे अच्छे कंपनी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है। और ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि 1000 लोगों में से ओनली 28 और 30 लोग सी ऑटोमोबाइल्स खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, और ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है यूथ के ऊपर और मिडिल क्लास लोगों के ऊपर। अगर ये आगे जाके बहुत बढ़ जाए, उनका खर्चा करने का कैपेसिटी बढ़ जाए, उनके पास लिक्विडेशन बढ़ जाए, तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल में बहुत बड़ा उछाल देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा साइड अगर देखें तो सप्लाई साइड है। सप्लाई साइड अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम सप्लाई साइड, जितना यूनिट बनाया जा सकता है उससे कम ही बनाया जा रहा है। अगर अभी डिमांड आ जाता है तो सप्लाई चेन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, इतना अच्छा सप्लाई है। तो डिमांड बनने के लिए परचेसिंग पावर कैपेसिटी बनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब भी इंटरेस्ट रेट गिरता है या फिर लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए ज़्यादा होता है तो तभी ऑटोमोबाइल्स बहुत तेज़ी में आ जाता है। उसी तरह अगर इकोनॉमी स्लो डाउन है तो सप्लाई रहेगा लेकिन डिमांड खो जाएगा, तो यहाँ पर सप्लाई जोन बहुत अच्छा रहता है। बैरियर
एंट्री बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक सेक्टर को एनालिसिस करने के लिए। क्या है कि अगर एक सेक्टर में एंट्री करने के लिए बैरियर नहीं है तो बहुत सारे कंपनी डूब जाएंगी और बहुत सारे कंपनी उभर के आएंगी। तो अगर बहुत ही बड़ा बैरियर है, जैसे कि ऑटोमोबाइल का एक मैं नया प्लांट डालूं तो ईजी नहीं है, मैं उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लेबर, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये बहुत सारे बैरियर हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो जो प्लेयर्स हैं वही अपग्रेड होंगे, नया प्लेयर एंट्री करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत सालों में, बहुत दशकों में एक एक कंपनी आके मतलब चैलेंज कर पाती है, क्योंकि बहुत कंपनी है अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो अभी कोई नया कंपनी एंट्री करना पॉसिबल नहीं है। तो लिमिटेड कंपनी है, तो इसी लिमिटेड कंपनी के अंदर हम देखेंगे कि लोगों के पास जो चॉइस है उसके हिसाब से, बजट के हिसाब से अगर जो कंपनी सप्लाई दे पा रही है वो कंपनी आगे चलेगी। उसी तरह थ्रेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा थ्रेट है लोगों का परचेसिंग पावर। अगर परचेसिंग पावर लोगों का गिरा तो इंडस्ट्री स्लो हो जाएगी। दूसरा थ्रेटन क्या है, ये बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, वो उन सब एक दूसरे को टक्कर देने वालों में से है। तो लेकिन अपने अपने सेगमेंट में बैठे हुए हैं। जैसे कि अगर कमर्शियल व्हीकल के बारे में बात करूं तो अशोक लेलैंड वहां पे छाया हुआ है। अगर मैं एसयूवी के बारे में बात करूं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पैसेंजर कार एसयूवी में फेमस है। अगर पैसेंजर में मैं हैचबैक की बात करूं तो मारुति सुजुकी और टाटा वहां पे कम्पीट कर रहे हैं। उसी तरह ऑटो में बजाज कर रहा है, जो रिक्शा होता है बजाज और अतुल, ये सब कंपनियां कर रहे हैं। और टू व्हीलर्स में आ जाएं तो बजाज, हीरो होंडा, टीवीएस यहां पे जमे हुए हैं। इतने सारे बाद भी अगर टू व्हीलर में और एक सेगमेंट देखें जहाँ पर एक लग्जरियस बाइक और इकोनॉमिकल बाइक के बीच में आता है, रॉयल एनफील्ड आइचर मोटर भी वहाँ पे बैठा हुआ है। इन बीच में हमारा इंडियन मार्केट घूम रहा है और बहुत दूसरे बाहर के प्लेयर आना चाहते हैं, लेकिन एंट्री बैरियर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उनका और जो टैक्सेस हैं उनके चलते हुए बहुत सारे कंपनी वापस भी चले गए। तो ये सारे पॉइंट्स थे, इन सारे चीज़ों को आपको एनालिसिस करना है, तभी जाके उस सेक्टर में अच्छा कंपनी आप चुन सकोगे। ये तो हो गया, दो पॉइंट्स मैंने बताया कि कैसा है ऑटोमोबाइल सेक्टर और क्या क्या पॉइंट्स हमको देखने वाले हैं। दूसरे पार्ट में ऑटो एंसिलरी का मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या, कितना मार्केट कैप है, कितना मार्केट साइज हो सकता है, कौन कितना अमाउंट में, यूनिट में आगे जाके सेल कर रहा है, और आने वाले समय में एक्सपेक्टेशन कंपनी वाइज मैं शेयर करूँगा। तो ये पार्ट वन है। पार्ट टू के लिए आप अगर इंटरेस्टेड है कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और हमको एनकरेज करें कि आने वाले समय में ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाएं। थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट।